गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हमने वीडियो में पदार्थ की बारे में या पदार्थ के कणों के बारे में या पदार्थ के स्वरूप के बारे में, भौतिक स्वरूप के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है बेटा। तो अब पढ़ते हैं हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। वैसे पदार्थ की अवस्थाएँ होती हैं तीन। कितनी अवस्थाएँ होती हैं? तीन। परंतु पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं पांच प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? पांच प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, बीएसी और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ये पांच अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। वैसे हम ज़्यादातर पढ़ेंगे तीन अवस्थाओं के बारे में। कितने अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे? तीन अवस्थाओं के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो बेटा देखिए कि हमने पदार्थ के गुणों के आधार पर, पदार्थ जैसा गुण प्रदर्शित करता है वैसी उसकी अवस्थाएं हो जाती हैं। परंतु हम प्रकृति में देखते हैं कि प्रकृति के अनुसार, यहां लिख देंगे प्रकृति, प्रकृति के अनुसार पदार्थ की कि तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। कि प्रकृति के अनुसार पदार्थ की कितनी प्रकार की अवस्थाएं होती हैं बेटा? तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक है ठोस, ठोस अवस्था। नंबर दो है द्रव्य अवस्था, द्रव, द्रव अवस्था। और नंबर तीन है हमारे पास में, कौन सी है? गैसीय अवस्था। अवस्था, ठीक है बेटा। ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि वजह से पदार्थ की पांच अवस्थाएं होती हैं, परंतु पांच अवस्थाएं, चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में हम इतना नहीं पढ़ेंगे जितनी हम तीन अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कि प्रकृति के अनुसार पदार्थ की तीन अवस्थाएँ होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो अब ठोस अवस्था के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि ठोस अवस्था क्या होती है, कि पदार्थ के ठोस अवस्था किसे कहते हैं। देखिए इसमें ठोस अवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें ठोस अवस्था क्या है, देखिए इधर, कि ठोस अवस्था का मतलब होता है कि पदार्थ के कण जो अधिक पास पास होते हैं, अर्थात पदार्थ के कण जो प्रकृति में जो कण होते हैं वो पदार्थ के अधिक पास पास होने के कारण जो पदार्थ की अवस्था बनती है वो कौन सी अवस्था बनती है बेटा? ठोस अवस्था बनती है। कौन सी अवस्था बनती है? ठोस अवस्था बनती है। कि ठोस अवस्था बनती है पदार्थ के, प्रकृति के जो कण होते हैं वो कण अधिक पास पास होने के कारण जिस प्रकार की अवस्था बनती है वो ठोस अवस्था कहलाती है। देखिए कि ठोस अवस्था में पदार्थ के कण, या हम लिखेंगे पदार्थ के कण, के कण अधिक पास पास होते हैं। ठोस अवस्था में पदार्थ के कण क्या होते हैं? अधिक पास पास होते हैं। जैसे हमें इस डायग्राम बना बता रहा हूं आपको कि ये पदार्थ है और इस पदार्थ में पदार्थ के कण क्या होते हैं? अधिक पास पास होते हैं। क्या होते हैं? अधिक पास पास होते हैं। ये ठोस अवस्था है। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था, ठीक है। कि ये पदार्थ, पदार्थ ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ ठोस अवस्था होते हैं जो
ठोस अवस्था में पदार्थ के कण अधिक क्या होते हैं, पास पास होते हैं, परंतु ठोस अवस्था के कारण होते हैं। ये क्या होती है, पदार्थ का ठोस अवस्था। अब पढ़ते हैं हम पदार्थ ठोस अवस्था की विशेषता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ठोस अवस्था की विशेषता के बारे में हम पढ़ेंगे कि ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था, ठोस पदार्थ की विशेषताएं। यहाँ लिखेंगे ठोस पदार्थ की विशेषताएं, ठोस पदार्थ की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि ठोस पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोस पदार्थ की अवस्थाएं विशेषताएं निम्न प्रकार की होती हैं। यहाँ लिखेंगे कि ठोस पदार्थ की विशेषताएं विशेषताएं निम्न प्रकार की होती हैं, निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है, निम्न प्रकार के होते हैं। तो अब देखिए इसमें कि ठोस पदार्थ की विशेषता निम्न प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक है कि ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, ठोस पदार्थ का आकार क्या होता है बेटा, निश्चित होता है। तो आपने देखा है कि जो भी कोई भी ठोस पदार्थ होता है, या पत्थर है, या लकड़ी का टुकड़ा है, या बर्फ का टुकड़ा है, उसका आकार और आयतन और वजन निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। कि नंबर पहली विशेषता है कि ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। कि दूसरा है इसमें, दूसरा पॉइंट है इसमें, इनकी सीमाएं, सीमाएं वे आयतन, सीमाएं वे आयतन निश्चित होता है, देखिए ठोस पदार्थ की सीमाएं जो होती हैं, सीमाएं जो होती हैं वह आयतन जो होता है, सीमाएं कह दो वह आयतन कह दो, दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ के क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे ठोस पदार्थ गोल है तो वो उसका आयतन निश्चित है कि यहाँ से यहाँ तक वो स्थान घेर रही है, या इसका वर्गाकार है तो वो भी अपना स्थान निश्चित घेर रहा है, या ये आयत के रूप में है तो वो भी अपना क्या होती है कि एक निश्चित स्थान घेरती है। चौथी विशेषता इसकी, इनकी संपीड़ितता नग्न होती है, इसकी देखिए तीसरी पॉइंट है इसमें, इसका तीसरा पॉइंट है ये दृढ़ होते हैं, ये दृढ़ होते हैं, इन पर बाह्य बल लगाने पर, बाह्य बल लगाने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, ये टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, परंतु इनका आयतन निश्चित रहता है, देखिए इधर बेटा कि देखिए दृढ़ होते हैं, दृढ़ का मतलब होता है कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, बिल्कुल कठोर होते हैं, परंतु इन पर बाह्य बल लगाया जाता है, यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ होता है उस पर हम बाह्य बल लगाते हैं, उस पर हथौड़ी की चोट मारते हैं तो वे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टुकड़ों में टूट जाने के कारण तब भी इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाते हैं तब भी इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ये ठोस पदार्थ की तीन विशेषताएं पाई
जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ठोस पदार्थ क्या है, कि ठोस पदार्थ के कण अधिक पास पास होते हैं और पास पास होने के कारण जब वो उनका संगठन बनता है तो कौन सा पदार्थ बनता है, ठोस पदार्थ बनता है। तो ठोस पदार्थ की निम्न विशेषताएँ होती हैं कि ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, ये बिल्कुल सही है कि जो जैसा वो आकार में होगा वो उसका आकार निश्चित होगा। वो हमने हमको पता है कि ये कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं या कोई भी बर्फ़ जमाते हैं तो जैसे गिलास में जमाते हैं या किसी भी पात्र में जमाते हैं तो वो उसका आकार ले लेती है, तो निश्चित हो जाता है। इसकी सीमा व आयतन भी निश्चित होता है। उसके बाद में ये दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, इन पर बाह्य बल लगाया जाता है तो बिल्कुल निश्चित बात है ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। टुकड़ों में टूट जाने के कारण तब भी इनका क्या होता है, आयतन जो होता है बेटा वो निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, वो एक निश्चित होता है और निश्चित होने के कारण ये ठोस पदार्थ के एक प्रमुख विशेषताएँ होती हैं। अब पढ़ते हैं इसमें, ये ठोस पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा, अब पढ़ते हैं हम अगले इसमें टॉपिक में द्रव पदार्थ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, द्रव पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। द्रव पदार्थ द्रव पदार्थ, ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसमें कि द्रव पदार्थ क्या है, किसे कहते हैं। इसके कण ठोस पदार्थ के अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। द्रव पदार्थ के परिभाषा डेफिनेशन के बारे में लिखेंगे, इस पदार्थ के कण ठोस पदार्थ की अपेक्षा कुछ दूर 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 पाए जाते हैं। देखिए बेटा कि ठोस पदार्थ क्या है, कि ठोस पदार्थ जो होता है उसके जो कण होते हैं, द्रव पदार्थ क्या है कि इस पदार्थ के जो कण होते हैं, वो ठोस पदार्थ के अपेक्षा कुछ दूर दूर पाए जाते हैं। ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, जबकि द्रव पदार्थ के जो कण होते हैं वो उसके अपेक्षा कुछ दूर दूर पाए जाते हैं। जैसे देखते हैं हम इसमें, ये कण है और ये क्या कौन सा पदार्थ है, द्रव। ठीक है, तो देखिए इसमें कि इसके कण जो होते हैं ठोस पदार्थ के अपेक्षा कुछ क्या है, दूर दूरी पर है, तो इसलिए एक पदार्थ क्या होता है, गतिशील होता है, ये लिक्विड पदार्थ होता है। इसको एक पात्र से दूसरे पात्र में आसानी से डाला जा सकता है। कौन से पदार्थ को, द्रव पदार्थ को डाला जा सकता है। तो अब इसमें आ जाता है कि ठोस पदार्थ के यानी कि द्रव पदार्थ के जो कण होते हैं ठोस पदार्थ के अपेक्षा दूर दूर होते हैं, और ये द्रव पदार्थ के डायग्राम है। इसमें इस डायग्राम में देखते हैं कि इसके जो कण होते हैं, ये कण हैं, इन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और रिक्त स्थान होने के कारण इस द्रव पदार्थ में हम चीनी हो या शक्कर भी बोल सकते हैं, उसको चीनी भी कह सकते हैं, शक्कर भी कह सकते हैं, या नींबू का रस भी या शरबत भी इसको आसानी से इसमें मिलाते हैं तो हिलाने के कारण वो आसानी से इसमें घुल जाता है। क्यों घुल जाता है, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान होने के कारण ये है पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है, इसको एक पात्र से दूसरे पात्र में आसानी से डाला जा सकता है। तो कण के आधार पर होता है, ये कुछ कण इसके दूर दूर होते हैं और उन कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो उस रिक्त स्थान के कारण इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है। तो अब आ जाता है इसकी विशेषता के बारे में हम पढ़ते हैं कि ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ की विशेषता के बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या है विशेषता है।
देखिए इसमें विशेषता के बारे में देखते हैं। द्रव पदार्थ की विशेषता, द्रव पदार्थ की विशेषताएं देखिए इसमें कि द्रव पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं। नंबर एक, द्रव पदार्थ का आकार निश्चित नहीं रहता। निश्चित है, बिल्कुल सही बात है, जिस पात्र में उसको डालेंगे उसी पात्र का आकार वो ले लेता है। द्रव पदार्थ का आकार निश्चित नहीं रहता है। ये आपको समझ में आ गई होगी बात कि द्रव जो पदार्थ होता है उसका आकार निश्चित नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता बेटा? कि द्रव पदार्थ जल है और जल को जिस जगह जिस पात्र में हम डालेंगे उसी पात्र का आकार वो ले लेता है। तो ये इसका आकार क्या नहीं रहता है? निश्चित नहीं रहता है। उसके बाद में जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है वो ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। यह है, इसको जिस बर्तन में डाला जाता है वह यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है। देखिए इसमें कि पहली इसकी विशेषता यह है कि इसका आकार निश्चित नहीं रहता, यह आपको कन्फर्म है। इसको जिस बर्तन में डाला जाता है, यानी कि द्रव पदार्थ को जिस बर्तन में डाला जाता है यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है। समझ गए होंगे इसमें कि ठोस पदार्थ का यानी कि द्रव पदार्थ का आकार, सॉरी ठोस पदार्थ नहीं हो, द्रव पदार्थ का आकार निश्चित नहीं रहता। जिसको जिस बर्तन में डाला जाता है वह उस बर्तन का आकार ले लेता है। इसका आयतन निश्चित रहता है। नंबर दो है, इसका आयतन निश्चित रहता है। इसका आयतन क्या होता है? निश्चित रहता है। आयतन जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। तीसरा इसका है, ये दृढ़ नहीं होते अपितु तरल होते हैं। ये दृढ़ नहीं होते हैं अपितु ये तरल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कि ये दृढ़ नहीं होते हैं, यानी कि ठोस पदार्थ की तरह ये दृढ़ नहीं होते हैं, अपितु क्या होते हैं? तरल होते हैं। और तरल के कारण ये एक पात्र से दूसरे पात्र में आसानी से डाले जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसको ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। इसको ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में आसानी से आसानी से बदला जा सकता है। इस
द्रव अवस्था को हम ठोस में बदल सकते हैं, द्रव में बस द्रव तो है ही, उसके बाद में गैस में भी बदला जा सकता है। गैस को हम अपने द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को अपने हम ठोस में बदल सकते हैं, ये इसके गुण पाए जाते हैं। किस पदार्थ के? द्रव अवस्था के पदार्थ की विशेषताएं पाई जाती हैं इसमें। तीन प्रकार की विशेषताएं इसमें हैं कि आयतन निश्चित होता है, ये दृढ़ नहीं होते अपितु क्या होते हैं, अपितु क्या होते हैं, तरल होते हैं। इसलिए इनमें तीन प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। अब आ जाता है हमारे पास में ठोस पदार्थ, अब आ जाता है गैसीय पदार्थ के बारे में। किसके पदार्थ के बारे में? गैसीय पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। गैसीय पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं कि गैसीय पदार्थ क्या है या गैसीय अवस्था क्या है। गैसीय अवस्था होती है कि ये इस प्रकार की, इस पदार्थ की अवस्था में, इस प्रकार की अवस्था में जो द्रव पदार्थ के जो कण होते हैं उसके अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं। इसके कण क्या होते हैं? काफ़ी दूर दूर होते हैं। और ये कण क्या होते हैं? यानी कि भंगुर प्रवृत्ति के कण होते हैं जो आसानी से एक दूसरे से गतिशील करते हैं, तो ये गैसीय अवस्था होती है। देखिए अब हम पढ़ते हैं गैसीय अवस्था के बारे में। देखो बेटा, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ दें। इस अवस्था में पदार्थ के कण द्रव पदार्थ की अपेक्षा की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं। देखिए इसमें द्रव पदार्थ में हम देखते हैं कि इस अवस्था में जो पदार्थ के जो कण होते हैं द्रव पदार्थ की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं। अभी उसके बाद में आप देखते हैं कि ये दूर दूर होते हैं, तो हम इस डायग्राम में देखते हैं कि इस डायग्राम में द्रव गैसीय अवस्था के पदार्थ अवस्था के जो डायग्राम वो किस तरह से होते हैं। देखिए इधर ये कण होते हैं, तो इस तरह से ये है कि द्रव पदार्थ की अपेक्षा इसके कण होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, और उन कणों के मध्य बहुत सारा रिक्त स्थान पाया जाता है, और इस रिक्त स्थान के कारण ये जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, वायु में आसानी से तैरने लग जाते हैं। उसके बाद में अब इसकी विशेषता देखते हैं बेटा। विशेषता क्या है इसकी? विशेषता हम देखते हैं, इसकी विशेषता क्या है कि ये कण ये ठोस द्रव और गैस की अपेक्षा बहुत हल्के होते हैं। ये कण जो होते हैं ठोस द्रव और गैस की अपेक्षा क्या होते हैं? हल्के होते हैं। दूसरा है इसमें इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, नहीं तो इसका आकार निश्चित होता है, नहीं इसका आयतन निश्चित होता है, नहीं तो आकार निश्चित होता है, नहीं कि आयतन निश्चित होता है। तीसरा है इसमें ठोस द्रव और गैस की अपेक्षा गैस में बहुत संपीड़ित होते हैं, इसलिए इसकी तीन विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये तीन प्रकार की विशेषताएं होगी। हमने अभी पढ़ा था कि हमने पढ़ लिया है कि ठोस द्रव और गैस के बारे में ये किस प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, इनके बारे में हमने पढ़ा है। अब इस टॉपिक में यदि कोई आपको कुछ भी समस्या आती है तो एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना है हमें कि हमें इन में कोई हमें दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है इसके बारे में, ठीक है।